हमारे किचन से क्या क्या आया वो बताइए। वेरी गुड। आज है संडे और आज हम लोग जा रहे हैं फैमिली पिकनिक पर और बहुत ही मज़ा आने वाला है। बड़ी खूबसूरत सी जगह है हैदराबाद में जिसका इनॉग्रेशन रिसेंटली हुआ है और एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन माना जा रहा है हैदराबाद का वो। तो हम लोग वहीं चलते हैं और ख़ास बात ये है कि हम लोग ले जा रहे हैं साथ में घर का लंच, तो वहीं पर लंच करेंगे और मेरे ससुराल वाले भी हम लोगों को ज्वाइन करेंगे वहाँ पर। तो वहाँ जाके मैं आपको बताऊँगी कि हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेगा, खाने में क्या क्या है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक व्लॉग में और चलिए मैं आपको वहाँ पर जाके मिलती हूँ। हैदराबाद सिटी से 45 मिनट्स का सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं गंडीपेट, जहां पर ये पार्क है और अब हम लोग एंटर कर लिए हैं पार्क के कैंपस में। टिकट हम लोग ले रहे थे 50 रुपीज़ पर पर्सन, आपको ये चार्ज करते हैं। बिलो 10 ईयर्स दे डोंट चार्ज यू एनीथिंग। इसका कैंपस काफ़ी बड़ा होने की वजह से टिकट काउंटर से आपको 1/2 किलोमीटर पार्क तक अंदर जाना होता है ड्राइव करके। तो ये है रास्ता अंदर जाने का और राइट साइड में यहाँ पर गंडीपेट लेक है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। इस पार्क का नाम है इको पार्क, जिसका रिसेंटली इनॉग्रेशन किया है हमारे आईटी मिनिस्टर मिस्टर केटीआर ने और ये बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन माना जा रहा है हैदराबाद का। पार्क में एंटर होते ही आप लोगों को पार्किंग मिल जाती है जहाँ पर 2-व्हीलर 4-व्हीलर दोनों पार्किंग्स अवेलेबल है। तो कार पार्क करने के बाद अब हम लोग एंटर हो गए हैं पार्क के अंदर। बिकॉज हमारे फैमिली मेंबर्स हम लोगों से पहले ही पहुंच गए थे तो वी हैड टू फाइंड देम और फाइनली हम सब लोगों ने मिलकर एक बहुत अच्छी जगह बहुत स्ट्रगल के बाद ढूंढी बैठने के लिए, बिकॉज बहुत ज्यादा धूप थी और बहुत ज्यादा क्राउड भी था तो जगह मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। वाह वाह वाह, जबरदस्त बर्फ का स्टॉक तो जबरदस्त है। थोड़ा सा मामा ये ग्लास में भर के दीजिए, थोड़ा सा भरिए बस। आजिल लो, पानी चाहिए ना आपको बेटा? पियो पहले पानी पियो। तो बेगम क्या है आज की तैयारी बताइए, दिखाने से पहले थोड़ा उसके बारे में बताइए भी ना। सैलेड है, अच्छा दालचा है, तो हमारे किचन से क्या क्या आया वो बताइए। सैलेड, फिर ये है रोटी, ये और ये है भुना हुआ भुना चिकन, खजूर में मटर। क्या हुआ बाजी, आप लोग क्यों इतने दूर हो गए, करीब आइए ना। बारिश है निकल हो गया भाई, मेन्यू पूरा सेट हो गया। हां हो गया, यहां से शुरू करेंगे। ये मेरे चुपे डाल दिए सब ने, कराना वाली आई आप चिकन और ये है दालचा। तो माशाल्लाह हमारा स्प्रेड तैयार हो गया है। यहाँ पे है बघारा खाना, ये प्लेन राइस, ये हैदराबाद की शान और जान, तलावा गोश्त और ये टमाटे का कैरी की चटनी, अंबाड़ी की भाजी। वाह वाह वाह, माउथ वाटरिंग डिशेज है। ये घास फूस और ये मेन आइटम चिकन और बेहतरीन दालचा। क्या है ये दालचा? ये कद्दू का दालचा, कद्दू का दालचा। अरे देखने वाले सिर्फ दुआ कर सकते हैं अल्लाह से खाना नसीब करो, पैसा मिल गया तो अच्छा है। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली के साथ हम लोग जो है बेहतरीन लंच एंजॉय करने वाले हैं। इंशाल्लाह खाने के बाद में बातें करेंगे। चलिए मामा बिस्मिल्लाह आपसे शुरू करो, बड़े हेड ऑफ द फैमिली। हर आइटम है देखिए हमारे मेन्यू में आज, माशाल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है।
बस थोड़ी ये चटनी थोड़ी वो चटनी, दोनों में ये भी डाल दीजिए। बेगम क्या पसंद करेंगे आप? सब जो है एवरीथिंग, थोड़ा कम डालिए वो। वाह वाह तला हुआ गोश्त। अरे मामा आप बोल रहे थे यहाँ मछली पकड़ सकते हैं आपके में सागर में आप नीचे बैठ सकते हैं, ऐसे खबरदार जगह है। आपका बेटा नहीं हो सकता बोल रहा पकड़ सकते मछलियों और ये है मेरी लंच की प्लेट जिसमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी माशाल्लाह। और इसे मैंने बहुत इंजॉय किया बिकॉज इसमें सभी घरों के बहुत सारे फ्लेवर्स थे और साथ खा के और भी ज़्यादा मज़ा आया। नहीं उनका स्टाइल है शर्माने का, थोड़ा सा ब्लश करते हो, ब्लशिंग ब्यूटी है ना, ब्लशिंग ब्यूटी बातें कर रहे आजिल क्या होगा मम्मा बबू हुआ चलो चलो जाएंगे। बेहतरीन सा लंच एंजॉय करने के बाद में मैंने सोचा कि अब मैं पार्क को एक्सप्लोर कर लूं और बच्चे भी खेलना चाह रहे थे तो उनको साथ लेके मैं निकल गई। और लुक एट दिस, इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है ये पार्क, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत काम है और क्लीनलीनेस भी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा वेल मेंटेन भी कह सकते हैं। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्क्स इन हैदराबाद। वेरी गुड आजिल, वेरी गुड आते अब भी आते हैं। आजिल उस पर नहीं जाना, बुबू होता वाह आजिल। उनको वो बनाएंगे ना अपन मुस्कुराते हुए बात आगे बढ़ने के लिए। यह है इनारा के दोनों चाचा, आदिल के कजिन्स है ये दोनों भी एंड दे रियली एडोर इनारा। इनारा इनफैक्ट खानदान में सभी लोगों की बहुत फेवरेट है एंड एवरीवन लव्स हर सो मच माशाल्लाह। और यहाँ जैन ने ये वीडियो मुझसे शूट करवाया बिकॉज ही वॉज रियली एंजॉइंग ही स्कूटर हियर। अच्छा ही हुआ लेकर आ गया बिकॉज यहाँ पर इतना अच्छा प्रोविजन है स्केट्स चलाने और स्कूटर चलाने इस तरह का। आई थिंक जैन हैड वन ऑफ हीज बेस्ट टाइम्स हियर इन दिस पार्क और स्कूटर भी बहुत इंजॉय किया जैन ने। ये है पार्क का एंट्रेंस, यहाँ से आपको पार्क के अंदर एंट्री लेनी होती है एंड नो डाउट इट वाज डिजाइन वेरी ब्यूटीफुली। और ये अंदर आने का आगे का रास्ता है, इसके बाद यहाँ से इन्होंने एंट्रेंस के सामने बहुत अच्छा एक ग्राउंड जैसा बनाया है जहाँ पर आप स्केटिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्कूटर चला सकते हैं, जहाँ बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। और कुछ कुछ तो ऐसे स्पॉट्स है यहाँ पर जहाँ बहुत ही अच्छी पिक्चर्स आती है। और ये एक और अट्रैक्टिव ट्री था यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा जहाँ बहुत सारे लोग पिक्चर्स ले रहे थे, उसके बाद सनसेट होने लगा था तो मैं चली गई सनसेट पॉइंट पर जो यहाँ पर स्पेशली बना हुआ है सनसेट शूट करने के लिए। आप लोग फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, चिल आउट कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक स्पेस इन लोगों ने यहाँ पर बनाया हुआ है सनसेट देखने के लिए। ये पूरा इसका मैंने यहाँ पर व्यू लिया है और इनफैक्ट मैंने भी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स खींची हैं जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डाली है, आप ज़रूर जाकर एक बार चेक करिए और मुझे बताइए कि कैसी लगी आप लोगों को। तो शाम के कुछ 6:30 बजने लगे थे और अब हम लोग पार्क से निकल रहे थे बिकॉज पार्क का टाइम सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक ही है, 6:30 तक आप लोगों ने निकल जाना होता है यहाँ से। बाहर निकल के मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शूट भी किया बिकॉज ये कुछ स्ट्रक्चर्स थे जो लाइटिंग्स में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। एनीवे ट्रिप तो हमारी बहुत अच्छी रही, कुछ डूज एंड डोंट्स मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी जो कि मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ और आप अगर यहाँ पर ट्रिप प्लान कर रहे हो तो वो ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, तो काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है और बस थोड़े दिनों से व्लॉग नहीं आया, कुछ खास तो रीज़न नहीं था, बस ऐसे ही कभी कभी ब्रेक लेने का दिल करता है तो ले लिया था मैंने। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोगों को मैं बता देती हूँ क्या डूज़ एंड डोंट्स है बिकॉज़ हम लोग जब इस पिकनिक पे गए थे हम लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं था और हमारा फ़र्स्ट टाइम था तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने एक्सपीरियंस करी जो मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी,
लेकिन हमारी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो गई। बट मैं क्योंकि वहाँ पर जा कर रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूँ अगर आप लोग जाना प्लान कर रहे हैं तो। सबसे पहले है कि वहाँ पर आपको घर का खाना अलाउड होता है, तो आप अपना घर का बना हुआ लंच ले जा सकते हैं। वहाँ पर ग्रास वगैरह में आप बैठ सकते हैं और अलग से कुछ सेक्शंस भी बने हुए हैं जहाँ पर आप बैठ के अपना लंच कर सकते हैं फैमिली के साथ में। तो आप अपने साथ में सबसे पहले तो चादरें या कुछ भी बिछाने के लिए लेके जाइएगा। सेकंड थिंग, वहाँ पर कैंपस क्योंकि उसका बहुत बड़ा है और कैंपस के अंदर किसी भी तरह की कोई कैंटीन नहीं है, तो आपको स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी नहीं मिलने वाला है वहाँ पर। आपको अगर ये सब चीज़ें चाहिए तो आपको काफ़ी दूर चल के जाना है, आधा एक किलोमीटर का कुछ कैंपस है वो पार करके जाने के बाद आपको गेट के बाहर ही सारी चीज़ें मिलेगी। ये एक मुझे उसका ड्रॉबैक लगा कि उन लोगों ने कैंटीन तो एटलीस्ट रखनी चाहिए थी। और एक चीज़ ये है कि अगर आप दिन भर के पिकनिक वहाँ पर प्लान कर रहे हैं तो आप थोड़ा रुक कर जाइए, थोड़ी बारिशें लगने दीजिए, या आप ठंड के मौसम में चले जाइए, जिस दिन अब्र आलू मौसम रहे उस दिन चले जाइए। धूप में हरगिज़ मत जाइए, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा धूप है बाहर तो जाना ही नहीं है, आपने सोचना भी नहीं इनफैक्ट जाने का, क्योंकि इतनी बुरी हालत हो जाती है वहाँ पर गर्मी से। आई हैव एक्सपीरियंसड इट, आई एम टेलिंग यू के बेटर टू अवॉइड इट गोइंग इन दिस सीज़न। हम लोगों को ऐसे लगा कि चलो वहाँ पर दरख्त है, छाँव है, मैनेज हो जाएगा, बट ट्रस्ट में बहुत बुरी हालत होती है धूप में, तो आप बिल्कुल भी मत जाइए, सोचिएगा भी मत जाने का। और सबसे बड़ा मसला हम लोगों को हुआ पानी का। हम वैसे तो तीन फैमिलीज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पानी लेके गए थे, लेकिन वो भी हम लोगों को काफ़ी कम पड़ा। तो अगर आप जा रहे हैं तो बहुत सारा पानी लेके जाइए ठंडा वाटर कूलर्स में, बिकॉज़ वहाँ पर आपको पानी कहीं भी दूर दूर तक नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा टॉयलेट्स एंड ऑल वहाँ पर है, अच्छे है काफ़ी, मतलब क्लीन है, मेंटेन है, तो टॉयलेट्स का कोई मसला नहीं है, सिर्फ पानी का मसला है। मुझे ऐसा लगता है उन लोगों ने एक आध कैंटीन रखनी चाहिए थी वहाँ पर, एटलीस्ट इमरजेंसी के लिए अगर आपको पानी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो रहना चाहिए वैसे तो, बट नहीं है, या हो सकता उनका फ्यूचर प्लान कुछ होगा, वो तो अभी अभी उसका इनॉग्रेशन हुआ है तो शायद नहीं रखा होगा, इन फ्यूचर दे विल प्लान, बट फिलहाल तो वहाँ पर नहीं है। तो आप लोगों को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो सब चीज़ें आपने घर से ही साथ में ले जानी है। मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों से मैं शेयर कर लूँ ताकि आप जाने से पहले अपने हिसाब से तैयारी से जाए और आपको वो सब फेस ना करना पड़े जो मुझे फेस करना पड़ा अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज मेरे साथ ना बच्चे थे, उन लोगों को प्यास लग रही थी बार बार, तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बट हम लोगों ने मैनेज कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरऑल इट वॉज़ अ वेरी नाइस ट्रिप और पार्क भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत यूनिक वे में उन्होंने डिज़ाइन किया है और बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको भी। और साइड में लेक है, आपको सनसेट देखने मिलता है, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, वहाँ पे आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। बस बाकी सारी चीज़ें तो आपने व्लॉग में देख ली एंड आई होप आप लोगों ने उसको पसंद भी किया होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।